क्या कर रहे हो आप? पहली बार कर रहे हो? करते आ रहे हो? जी क्या कर रहे हो आप? आईसीयू वाली पहली बार कर रहे हो? करते आ रहे हो? पहली बार कर रहे हो? कैसा लग रहा है आपको? मेरे को मत देखो, माइक्रोस्कोप में देखो। कट मारने से पूरा ठंडा बनना सर। अब क्या दिक्कत दे रहा है तुमको? दो तीन बॉल में क्या हुआ? गुड फॉर पे प्लस 1 का लिंक का हो गया। हां क्या हुआ? देखिए तो सही है। क्या बड़ा दिख रहा है? ये लाइन में दिख रहा है आपको है ना? अब इसके अंदर क्या करना है? ये यहाँ पे बस इतने इसमें भी पिंटी डालना है। कहाँ डालना है आपको? यहाँ पे देखो कहाँ डालना है आपको? ये लाइन में डालना, कितना फोल्ड करना है उनको, पूरे का डालना है यहाँ पे। ये कट करने के बाद ऑमलेट ही बनाना है यहाँ पे, बस यही पड़ा आराम से। आप ले जाए वेरी गुड, वन कट करो ना। मैं थोड़ा सा इसको प्लग डाल के हिट मार लेना, बढ़िया बना अभी से, बहुत बढ़िया बना। चल जी नाम डालते जाओ। कैसे मालूम पड़ा तेरे को छोटा बन लेगा? कैसे बता दिया तूने छोटा? छोटा ऐसा लो हम नहीं बना। ऑमलेट को बड़ा करने के लिए क्या समय नहीं होता है आपको? तो तरीका नहीं अपना है? हो गया फिर क्या करना है दिखा दें। कौन सा बाल छोटा है तुम्हारा बताओ? एक मिनट चाइनीज में सबसे ज्यादा जितने भी
डायग्राम बने हैं और ZXW हो गया, जितने गूजिंग हो गए, वो सारे इसी मल्टीमीटर के नाप के आधार से बने हैं। मतलब अगर उन्होंने कहीं डायोड वैल्यू ली है या कहीं किसी रजिस्टर को मापा है या बोर्नियो में भी अगर उन्होंने बताया है कि 1K का रजिस्टर है तो वो सिर्फ इसी मल्टीमीटर के हिसाब से बताया है फ्लुक का। ये US मेड मल्टीमीटर है। अब देखो यहाँ पर आप नोटिस करो रोटेटर इतना है नहीं है, यहाँ पर ओमेगा दिया हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर कोई वैल्यू दी है क्या बताओ? तो हमें कैसे पता चलेगा कि जब ये कोई वैल्यू नहीं है तो ये कितना सेट चेक कर लेगा? सो ध्यान देखना, जब भी मल्टीमीटर में कोई वैल्यू ना हो तो हमें हमारे पास उसका बॉक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताइए? तो बॉक्स में किसी भी मल्टीमीटर के पीछे यहाँ पर उसकी वैल्यू लिखी होती है। यहाँ पर इसका एक फोटो खींच के इसके ग्रुप में डाल देना, एक जन खींच के ग्रुप में डाल। तो यहाँ पर इसके इसकी वैल्यू पढ़ना है कि इसमें ओम्स के आगे कितनी वैल्यू लिखी हुई है। तो बेसिकली इसके पीछे इसकी वैल्यू लिखी हुई है और यहाँ पर जहाँ पर रेजिस्टेंस है ये लिखी हुई है 60 मेगा। देखो पढ़ो यहाँ पे कितनी लिखी हुई है 60 मेगा। पढ़ो यहाँ पे कितनी लिखी हुई है 60। तो ये 60 मेगा तक चेक कर सकता है। कितना? 60 मेगा। तो मैं एक चीज बता रहा हूँ, जहां तक कि मैंने चेक किया है जितने भी मल्टीमीटर है जिसमें हमारा कोई वैल्यू नहीं लिखी होती उनकी कैपेसिटी मैक्सिमम कितनी होती है जल्दी बताओ। जितने भी कौन से मल्टीमीटर बने हुए हैं ऑटो मोड वाले, कौन से मोड वाले ऑटो मोड की चॉइस का क्यों आए वो जिग्नेश को बाहर ले गया हूं उसकी काउंसलिंग कर। जिग्नेश चलो बाहर जाओ, बैग बैग लेके बाहर जाइए। चलिए दादी, तो हमारे को जो मल्टीमीटर यूज करना है वो ऑटो मोड वाला करना है। कौन सा करना है बोलो? ऑटो मोड वाला मल्टीमीटर यूज करना है। बताओ रजिस्टर को सो किसे करेंगे? यूनिट क्या है? ओम्स। वैल्यू के मिनिमम कितनी? यहाँ पर बताइए, यहाँ पर कितनी वैल्यू अगर हम बात करेंगे बताओ? कंफ्यूज नहीं होना, जब के नहीं लिखा तो के में नहीं है, एम नहीं लिखा तो एम में नहीं है, तो जब के में नहीं है एम में नहीं है तो बचा क्या? शुरुआत किससे हो रही है? 240 और ये 999 तक हो सकता है। किस तरह यूनिट बोलो? तीन यूनिट बोलो इसकी। सबसे छोटी तो ये साइज के हिसाब से पीको का साइज नैनो के साइज से बड़ा छोटा होता है, नैनो का साइज माइक्रो के साइज से छोटा होता है, माइक्रो का बड़ा होता है। अब इसके बाद हम पहली वर्किंग बात करेंगे, तो पहला वर्किंग अगर पैरेलल में लगा होगा तो किसको पास करेगा और कहां भेजेगा? हां हां वेरी गुड। फिर क्या करेगा? मेरा नाम देवदत्त अग्रवाल है, आप देख रहे हैं एसर टेलीकॉम। मेरे साथ 28 फरवरी के बैच के स्टूडेंट। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सभी एमएनसी किस किस ने रिवोल किया बताओ? हम सुनने फिर मुझे बताइए, अभी भी उसके बाद मेरा रजिस्टर और कैपेसिटर की क्लास कर चली है, क्या चली, किस लेवल पे चली है, किस किस को पसंद आई जल्दी बताओ? यूट्यूब का नॉलेज तो निकला और हाई लेवल पे दिया कि नहीं दिया? हां टेस्टिंग करवाई कि नहीं करवाई? अच्छा सबसे बड़ी बात है कि थर्मिस्टर कौन कौन ढूंढेगा मुझे बताओ? सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी क्लास खत्म नहीं हुई है, अब आपको अपने प्रैक्टिकल में जाना है। ये सबसे मेन चीज है, यही ऑफलाइन का तो मजा है। ऑनलाइन में तो आप चीजें देखकर समझ सकते हो पर ऑफलाइन में आप उसके बाद एक टीचर के सामने बैठ के उसको प्रैक्टिकल अटेंड करोगे तो आपके डाउट क्लियर होंगे। ध्यान देना, मैं आपके डाउट बनाने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर। अब आपके डाउट बनेंगे आप चेक करने पर, और कोई डाउट आप बार बार पूछोगे और आपके चेंज होंगे। मैं नहीं कहता कि आपके में डाउट है नहीं, मैं तो बोलता हूँ मेरा काम डाउट बनाना है, और डाउट तभी बनेगा जब नॉलेज मिलेगा।
है तेरा बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है मुट्ठी भींचना है, अभी आगाज है तेरा बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है मुट्ठी भींचना है, भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार बस अब जीतना है, लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को खोल के रख, जो उड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को खोल के रख, जो उड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। तो हमारे साथ है 28 फरवरी की बैच, कौन सा लाइव है, सब लाइव है, तो ये बताइए आज हमारी क्या क्लास थी, रिबॉलिंग की, सबसे पहले किस किसने रिबॉलिंग किया कल मॉर्निंग में, किस किसने रिबॉलिंग करा, कितने कितने बार किया आपने, कितनी बार, कितनी बार, कोई तुक्के में तो नहीं हुआ, और उसके बाद क्या क्लास थी आपकी, कंपोनेंट की, कंपोनेंट के साथ की क्लास आपकी, यस सर, देव सर के साथ, यस सर। तो जो मतलब आपको यूट्यूब वाला नॉलेज मिला क्या, नहीं सर, दो कंपोनेंट 5 घंटे की क्लास, एक्सेलेंट मिला कि हल्का मिला, अगर एक रजिस्टर, अगर आपका रजिस्टर खराब हुआ था तो उसका मोबाइल भी डेड हो सकता है, ये मालूम पड़ा आपको कितना इम्पोर्टेंट होना है रजिस्टर, नॉर्मल रजिस्टर, कोड रजिस्टर, कोड रजिस्टर का क्या काम है मालूम पड़ा आपको, फ्यूज रजिस्टर का क्या काम है मालूम पड़ा आपको, उसके बाद आते हैं थर्मिस्टर, अब थर्मिस्टर कौन कौन ढूंढ पाएगा भाई, सब ढूंढ लेंगे, दुनिया की कोई सी भी पीसीबी दे दो आप थर्मिस्टर ढूंढ लेंगे, चलिए सर। अब उसके बाद सारे कंपोनेंट के साथ आपने कैपेसिटर की भी टेस्टिंग करी, कर लेंगे आप, अगर मैं बोलूं 10 मिनट में 50 कैपेसिटर चेक कर लो, कर लेंगे आप, कर लेंगे। तो सर मैं शुरुआत करता हूँ इनसे, दानिश से, तो दानिश ये बताइए मेरे को कि आज की क्लास आपको सवेरे से लेकर शाम तक कितने घंटे की क्लास होती है यहाँ पर, सर सवेरे 8 बजे आए थे सर, टाइम क्या हो रहा है अभी, 8 बज रहे सर, कितने बज रहे, 8:30 बजे, तो कितने घंटे की क्लास होगी, 12 घंटे, 12.5 घंटे की, चलो अपन 12 घंटे, 12 घंटे, तो ब्रेक तो खाने का दिया होगा 2 घंटे का, मैं नहीं सर 5 मिनट का, मुश्किल 10 मिनट, 15 मिनट, इतनी देर में खाना खा लिया, अच्छा उसके बाद कोई ब्रेक दिया मैंने, नहीं सर कोई ब्रेक नहीं, कोई ब्रेक नहीं, कोई ब्रेक, तो ब्रेक क्या क्लास थी आपकी, विदेव सर के साथ, कंपोनेंट की क्लास थी, कंपोनेंट कैसा नॉलेज, बढ़िया सर, बहुत अच्छा, किसी बात की कोई गुंजाइश रखी, नहीं सर, नहीं सर, एक चीज को कितनी बार रिपीट करी सर, कोई लिमिट नहीं है सर, जितनी बार पूछा उतनी बार बताया, कैसा नॉलेज लगा सर, बहुत बढ़िया सर, वो एनर्जी लेवल क्या था, नॉलेज क्या था, बढ़िया सर, एनर्जी कभी उनकी लो हुई क्या, नहीं सर, लो हुई क्या, नहीं सर उनकी एनर्जी बिल्कुल भी लो नहीं होती सर की, आप 10 घंटे की क्लास ले लो एक सरीके मिलेंगे। अब उसके बाद ये बताइए सर के जाने के बाद जो प्रैक्टिकल क्लास हुई आपको, यस सर, प्रैक्टिकल क्लास में कैसा लगा आपको, और सारी डाउट्स आपके क्लियर हुए कि नहीं, क्लियर है सर, बहुत बढ़िया लगा, क्रिस्टल क्लियर है, यस सर। चलिए तो दानिश क्लास में मैं पूछना चाहूंगा आप क्या बोलेंगे ऐसे डेली का, क्या दिन भर की क्लास हो सर, बहुत बढ़िया क्लास थी सर, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट, थैंक यू सर। तो अगले स्टूडेंट है मेरे साथ, जी बताइए, मैं सुखलाल उत्तर प्रदेश से, सुखलाल ये बताओ पहला दिन एशिया टेलीकॉम में कैसा रहा आपका, बहुत अच्छा सर, क्या क्या मिला आपको, बहुत कुछ सीखने को मिला सर, कौन कौन टीचर मिले, क्या क्या मिला आपको, एमडी सर मिले, देव सर मिले, दीपक सर मिले, दुर्गेश सर मिले, अच्छा जी सर, तो आपकी जो दूसरे में कंपोनेंट की क्लास थी, कंपोनेंट किस लेवल से समझ में आया, पहले वाले नॉलेज मिला कि नया नॉलेज मिला, नया नया सारा नया मिला सर, अच्छा, और उसके बाद आपसे पूछना चाहूंगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि थर्मिस्टर ढूंढ के बता दो आप पीसीबी में से, ढूंढ देंगे, कितनी देर में ढूंढ, 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट में ढूंढ लेंगे, कोई सी भी पीसी हो, कोई भी पीसी हो, क्वालकॉम हो, मीडिया डे हो, यहाँ पे स्पेक्ट्रम की बात करूँ, स्पेक्ट्रम हो, यहाँ पे ज़ोनिक्स की हो, कोई भी हो सर, ढूंढ सकते हो आप, जी सर, चारों सीपीयू में ढूंढ सकते हो, जी जी जी, चलिए ठीक है। और लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगा, पहला दिन एशिया टेलीकॉम में कैसा गया आपका, बहुत अच्छा गया सर, चलिए ठीक है, नेक्स्ट,
मैं रमन गुप्ता सर, यूपी से। हाँ जी, मेरा आज पहला दिन था। अच्छा, मैंने सुबह इसके पहले कभी आज तक आईसी रिबॉल की थी आप? कभी नहीं सर। तो सवेरे आके क्या किया आपने? रमसी रिबॉल किया सर। रमसी रिबॉल किया? पांच बार सर। कैसा हुआ? बहुत बढ़िया सर। तुक्के में तो नहीं हुआ? नहीं, तुक्के में नहीं। और उसके बाद 12 बजे से 5 बजे तक क्लास किसके साथ थी? देव सर के साथ। नॉलेज कैसा मिला? एकदम बढ़िया। किसा बेटा यूट्यूब वाला? नहीं सर। क्या नॉलेज है सर? डीप लेवल सर। डीप लेवल जी। रजिस्टर को इतने घंटे 5 घंटे पढ़ाने की क्या जरूरत थी उनकी? एक एक चीज का उदाहरण दिया उन्होंने, लाइव प्रैक्टिकल करके बताया जी, जी, जी। क्या इंपोर्टेंस है? अगर 4 लाख वाले कैपेसिटर आ गए तो चेक कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे। कौन कौन कर लेगा 4 लाख वाले? सब कर लेंगे भाई, वो तो आईफोन में आते हैं। हेलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर थर्मिस्टर ढूंढना हो तो 5 मिनट का टाइम लगेगा सर। 5 मिनट का? चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट सर, मेरा नाम नीलेश है, महाराष्ट्र से। हाँ जी नीलेश, बताइए। सर सुबह से 8 बजे से हमारी क्लास थी। हाँ जी। जब आए थे तब MMC रिबॉल की थी। हाँ। तो 12 से 5। ये जीवन में पहली बार की थी, करते आ रहे हो? नहीं सर, मैं फ्रेशर। फ्रेशर हो? यस सर। तो तुमसे तो होना नहीं थी 2 घंटे में? ट्रिक बताई थी सर। सर अच्छा, और कंपोनेंट का नॉलेज था पहले से आपको? नहीं कुछ भी नहीं। अच्छा, कितने साथ क्लास थी आपकी? देव सर के साथ। अच्छा, तो कैसी रही क्लास आपकी? एकदम सही, बढ़िया सर। अच्छा, और उसके बाद प्रैक्टिकल किया आपने? हाँ सर, 5 बजे से अभी साढ़े अभी तक 5 बजे से अभी तक प्रैक्टिकल किया। तो प्रैक्टिकल में कोई डाउट गुंजाइश नहीं सर? अगर मैं बोलूँ कि 2 कंपोनेंट का सारे काम बता दो तो बता सकते हो? सर चलिए ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट, चलिए मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, राकेश पांडे सर, महाराष्ट्र। राकेश महाराष्ट्र से। तो राकेश, पहला दिन एशिया टेलीकॉम में, बहुत क्या बोलेंगे आप? बहुत बढ़िया। क्या देखो, मैं कुछ नहीं बोलता, आप अपनी मर्जी से बोलिए। जी सर, जन मतलब जो देखा था और जो देख कर आए थे वही पाया। जो नॉलेज मिलना था हम लोगों ने जो आज तक सर्च किया। मैं एक फ्रेशर हूँ सर जी, उसके बाद भी आज जो मैं काम किया सच में वो मैं एशिया टेलीकॉम आके ही कर सकता था। तो कंपोनेंट का नॉलेज, रिबोलिंग का नॉलेज और साथ में आपने ट्रेसिंग करी, उसके अंदर कंपोनेंट को सारा ट्रेस किया, तो सब मिला आपको? सब मिला। अगर मैं पूछूं कि 10 साल वाले टेक्नीशियन भी थर्मिस्टर भी ढूंढ सकता, आप कितनी देर में ढूंढ सकते? सर मैं बस 5 मिनट में ढूंढ। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट सर, मैं शहीद खान हूँ। हाँ जी सर, पुणे महाराष्ट्र से हूँ सर। हाँ जी। आज सुबह से हमने पहली क्लास जो ली 8 बजे से, तो वो रिबॉलिंग के लिए सर, आईसी रिबॉलिंग की। इसके पहले कभी आईसी रिबॉलिंग की नहीं थी सर। हाँ। आज फर्स्ट टाइम मुझे थोड़ा सा हुआ नहीं था जल्दी से। हाँ। मेरे आगे बहुत स्टूडेंट गई, लेकिन लास्ट में मैं थोड़ी देर से किया, लेकिन बहुत अच्छी रिबॉलिंग। तो नहीं किया? नहीं सर, वो परफेक्ट समझ के किया सर, और आपने भी मुझे गुड बोला था। अच्छा, तो कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा सर। देव सर के साथ भी क्लास हुई है, देव सर का बहुत एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है जी। बहुत बढ़िया क्लास हुई सर। अच्छा, उसके बाद फिर आपने प्रैक्टिकल किया इस क्लास? सर प्रैक्टिकल देव सर ने पढ़ा, उसका सारा प्रैक्टिकल दिया? हाँ, उससे सारा। तो देव सर ने जो प्रैक्टिकल क्लास रखी है, ये वाकई में होना चाहिए कि नहीं होना? नहीं सर, होना चाहिए। प्रैक्टिकल क्लास के लिए हम लोग यहीं से टेलीकॉम में आए सर। अच्छा, तो ये जरूरी है? ये बहुत। तो सर ने तीनों फॉर्मेट को यहाँ पे बांध के रखा हुआ है। यस सर, यस सर, है ना। तो आपको संतुष्ट है ना? आप प्रैक्टिकल से थ्योरी से संतुष्ट है? हाँ सर। मॉर्निंग में जो वर्क किया उससे संतुष्ट है? सब सबसे सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट, तो हमारे साथ स्टूडेंट है जी, नाम बता दीजिए अपना, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आप अपनी तरफ से। मेरा नाम सुधा संगेकर है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। हाँ जी। तो सुबह हमारी 8 बजे क्लास शुरू हुई थी जी, तो मैंने जिंदगी में पहली बार आईसी रिबॉल करना सीखा आज। फर्स्ट टाइम। क्या बात कर रहे हैं? यस, अभी तक स्टेंसिल और आपने कभी पीपीटी को टच भी नहीं किया? स्टेंसिल को छुआ भी नहीं था मैंने। तो फिर तो होना नहीं चाहिए था आपसे? एक दो बार नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद हो गए। हो गया? कोई तुक्के में हुआ क्या? नहीं, तुक्का नहीं, प्रॉपर नॉलेज। अच्छा अच्छा, कंपोनेंट का नॉलेज पहले से था? उसके बाद आपने जो प्रैक्टिकल किया, तो प्रैक्टिकल में कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। प्रैक्टिकल, हर चीज का प्रैक्टिकल किया? यस। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप थर्मिस्टर ढूंढ के बता दीजिए, कोई सी भी पीसी ढूंढ, आप ढूंढ सकते हैं? यस सर, बोल दूंगा, 5 मिनट में ढूंढूंगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट, तो अनदर स्टूडेंट हमारे साथ, नाम बता दीजिए, भाई कहां से? मैं अनिल कुमार, कहां से? बिहार से। तो बताइए मैं एक प्रेफर हूं, यहां सोने से पहले हम कभी मोबाइल खोल करके देखे भी? मोबाइल भी नहीं खोला आपने? नहीं सर। अच्छा, तो फिर सवेरे की क्लास में रिबॉलिंग तो किया नहीं होगा? जी सर, रिबॉलिंग किया था। कितनी बार?
पांच बार किए थे। एक बार क्लैपिंग कर दो इसके लिए यार। उसके बाद देव फर के साथ क्लास हुई फर, हाँ जी, 5 घंटे की क्लास हुई, उसमें भी प्रैक्टिकल के साथ पर बहुत अच्छा लगा फर। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि बोर्ड से सारे रजिस्टर आप नाप के बता दो या 25 रजिस्टर मेरे को अगर हाई वैल्यू और लो वैल्यू का अलग अलग निकाल के दे तो आप निकाल सकते हो? जी सर। कैपेसिटर को फाउंड कर सकते हो? यस। थर्मिस्टर को फाउंड कर सकते हो? यस सर। पक्का? पक्का सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट आइए। हेलो, सिद्धार्थ नगर यूपी से। तो बताइए आज का सबसे कुछ नहीं, आप ही हाँ, सुबह 8 बजे आया हूँ, रिवॉल्विंग का क्लास था, रिवॉल्विंग के यहाँ पास हुआ, उसके बाद देव सर का क्लास था, तो बताए हैं बहुत बढ़िया बताए हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल हुआ है बहुत अच्छा। तो अभी जो कंपोनेंट 1 की क्लास थी, कंपोनेंट 1 की क्लास को कोई डाउट है क्या? नहीं, कोई डाउट। ऐसे टेलीकॉम का प्रोटोकॉल अगर बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो रात के 2 बजे तक टीचर बैठेगा यहाँ पे, ये बात सही है क्या? सही है, एकदम सही है, सही है। किसी को छोड़ देगा यहाँ पे? नहीं। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट आइए। तो हमारे साथ एक अनादर स्टूडेंट है, जी नाम बता दीजिए आपका। रतन कुमार। कहाँ से भाई? बिहार। बिहार से, क्यों आपके भाई कोई थे क्या? जी सर। क्या नाम था उनका? नवीन। नवीन, तो भाई भी पढ़ के गया, आप भी पढ़ के आ रहे हैं, ऐसा क्यों? जी सर, भाई 1 महीना पहले गए था पढ़ने। 1 महीने पहले गए थे, तो वो चाहते थे तुमको सिखा सकते थे ना? सिखा सकते थे सर, दुकान नहीं खोलता ढंग से ना। अच्छा, भाई जी दूसरे काम में बिजी रहते हैं। बिजी रहते हैं, अब काम उनका काम किस लेवल का हो गया उनका? बहुत अच्छा हुआ सर। अच्छा हो गया, तो वही उम्मीद आप भी लेके आए हो? जी सर। तो आज पहला दिन थोड़ा बताओ कैसा बीता? पहला क्लास बहुत अच्छा था सर, सुबह सुबह रिवॉल्विंग किए हैं। अच्छा, इसके पहले जीवन में रिवॉल्विंग किया? नो सर, कभी नहीं किए थे। कितनी बार किया? 5 बार किए। 5 बार किए। जी सर। अच्छा, उसके बाद फिर कंपोनेंट की क्लास? बहुत अच्छा हुआ सर। कितने साल था? देव सर के साथ। देवराज सर के साथ? जी सर। हाँ, तो नॉलेज कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। यूट्यूब वाला लगा क्या? नो सर। अच्छा, उसका प्रैक्टिकल किया आपने? जी सर, पूरा प्रैक्टिकल किया आपने। अगर मैं बोलूंगी थर्मिस्टर ढूंढ के बता दो, कोई सा भी सीपीयू हो तो ढूंढ सकते हो आप? जी सर, 5 मिनट में ढूंढ लेंगे। ईमानदारी से? ईमानदारी। चलिए ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट आइए। आ जाओ ना, दो चार लोग और आ जाओ इसमें। आ जाओ ब्राह्मण, अपने बीच में आ जाओ, सबको देना है माइक। बंद है तो हमारे साथ स्टूडेंट है सर, मेरा नाम कृष्णा कांड है, झारखंड से हूँ। आज हमारी सुबह को फर्स्ट क्लास थी रिवॉल्विंग की। तो इसके पहले रिवॉल्विंग करते थे क्या? सर करते थे, लेकिन वही अंदाजा से हुआ कि नहीं अभी, लेकिन जो अभी किए हैं आज सुबह को 4 बार किए हैं, लेकिन पूरा नॉलेज के साथ, पूरा परफेक्ट तरीके से। स्टेंसिल आईसी लगी हुई है, लेकिन फिर भी बता देंगे कि एक एक बॉल का सही है कि नहीं। मेजरमेंट आ गया? वो मेजरमेंट आ गया सर, है ना? हाँ सर। अंडे और आमलेट में फर्क आ गया? हाँ सर, अंडे और आमलेट में फर्क आ गया। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए मेरे को कि आज आपकी कंपोनेंट की क्लास थी देव सर के साथ, कंपोनेंट की क्लास सर जबरदस्त थी, एकदम जबरदस्त, हाई लेवल, पूरा पूरा डीप नॉलेज। डीप नॉलेज, यस सर। बस रिवीजन करने की जरूरत है, बस और कुछ नहीं। तो क्या लेवल होता है पढ़ाई का यहाँ पे? लेवल क्या, वाकई में लेवल क्या? लेवल सर पूरा जैसा सोच के आए तो उससे ज्यादा ही मिल रहा है। अच्छा, जैसा सोच के आए पूरा हाई लेवल है। अच्छा, कोई स्कीम करने वाला काम है यहाँ? क्या है, बच्चे को छोड़ दिया या स्कीम कर दिया, इनको छोड़ दिया मैंने, इनको छोड़ दिया, इनको छोड़ दिया? नहीं सर, कुछ काम होता है सर, पूरा सबसे एक तरह से होगा, तभी जाने मिलेगा। पक्की बात है? हाँ, ऐसा MD सर ने बोले हमें। अच्छा, चलिए ठीक है, नेक्स्ट। तो हमारे साथ स्टूडेंट है, जी नाम बता दीजिए और कहाँ से? अल्पेश, गुजरात से। अल्पेश गुजरात से? अल्पेश गुजरात से। तो एशिया टेलीकॉम में पहला दिन अल्पेश, देखो तुम बड़ी जगह से आए हो, गुजरात से आए हो, और गुजरात बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, उसके बाद आपने एशिया टेलीकॉम को चुना, तो चुनने के बाद आज आप पहले दिन की क्लास ली, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, रिबॉलिंग सुबह सुबह हम आए, तुम रिबॉलिंग की थी, रिबॉलिंग के बाद देव सर का क्लास था कॉम्पाउंड वगैरह में, उसका प्रैक्टिकल भी हुआ है अच्छे से। तो सर का पढ़ाने का नॉलेज कैसा? बहुत बढ़िया। आने वाले टाइम में क्या मिलने वाला है तुमको? बहुत बढ़िया नॉलेज मिलने वाला है, सोचा है तो उससे भी ज़्यादा मिलने वाला। तो ये प्रैक्टिकल क्लास का पूरा प्रैक्टिकल किया आपने? पूरा किया सर, पूरा प्रैक्टिकल किया। कोई भी चीज़ स्कीम है क्या?
क्या सर? स्किप है कोई चीज? स्किप नहीं है। नहीं नहीं स्किप कर दी हो कोई चीज? नहीं कोई स्किप नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट आइए, आइए बिहार से। मैं रंजीत कुमार बिहार से। हाँ जी रंजीत बताइए जी। आज का क्लास पहला दिन हुआ और हमने 5 बार रिवॉल्विंग किए। पहले भी रिवॉल्विंग करते थे मगर इतना परफेक्ट नहीं हो पाया। परफेक्शन नहीं था जी, जितना अच्छा हुआ। और उसके बाद जो है देव सर से क्लास हुआ। क्या एक्सपीरियंस रहा? मतलब देखो समय से आप काम कर रहे हैं इस फील्ड में, तो क्या क्या चीज़ें नहीं सीखने को मिली जी? बहुत एकदम डीप लेवल से समझाएं जो हम पहले से नहीं जानते थे। और उसके बाद प्रैक्टिकल भी हुआ जी। तो प्रैक्टिकल से संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं पूरे रूप से। अभी कोई डाउट लेके जा रहे हैं दिमाग में? नहीं अभी कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं? अगर डाउट भी है तो कल फिर पूछ लेंगे हम लोग। नहीं अभी आज की क्लास में कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं? नहीं। ठीक है। कोई टीचर्स कैसे सपोर्ट करते हैं? बहुत अच्छा, मतलब हर चीज आपकी पूरी होती है जी जी। मतलब कोई चीज ऐसी पेंडिंग तो नहीं रखते? नहीं क्या? नहीं ये मेरे को नॉलेज नहीं है। तो यहाँ टीचरों का स्किल कैसी है, नॉलेज कैसा? बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं सर जयेश गुजरात से। हाँ जी जयेश। मैंने आज फर्स्ट टाइम लाइफ में पहली बार आईसी रिवॉल्व किया है लाइफ में। हाँ सर, 8 साल से काम कर रहा हूँ मगर कभी आईसी को छुआ नहीं था। आज 8 साल से इस फील्ड में हुआ। हाँ कभी आपने रिवॉल्विंग नहीं? रिवॉल्विंग नहीं। तो आज कितनी बार? आज 5 बार की। कोई तुक्के में लग गया? नहीं सर, कोई तुक्के से नहीं, सब ट्रिक से। एक ही बार में? एक ही बार। हाँ सर। कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। सेकंड टाइम आपकी, फिर आपकी सेकंड इनिंग थी देव सर के साथ? वो भी सर नेक्स्ट लेवल का थियरी था हमारा और वो भी बहुत जोरदार था। और उसके बाद हमारा जो प्रैक्टिकल है वो भी बहुत जोरदार था। जो तुरंत थियरी के बाद हमारा प्रैक्टिकल चालू होता है वो हमारे दिमाग में और असर करता है। तो जो कॉन्सेप्ट बना के रखा है यहाँ पे थ्योरी का और प्रैक्टिकल का, बहुत बढ़िया है सर। तो कैसा कॉन्सेप्ट बना के रखा? एक मतलब बोलने जैसा नहीं है, जो है सब दिमाग। तो जो सर ने यहाँ पे जो एशिया टेलीकॉम के आने मिस्टर देवरतन अग्रवाल सर, जो उन्होंने यहाँ पे सिलेबस सेट करके रखा है, जो पढ़ाने का तरीका है, जो डिसिप्लिन बना के रखे हैं, वो वाकई में डिसिप्लिन ऐसे ही होना चाहिए? होना चाहिए सर, ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए। तो उसके रिजल्ट आपको मिल रहे हैं? मिल रहे हैं, मिल रहे हैं पहले दिन। चलिए नेक्स्ट आइए, बिना पूछे बाहर मत जाया नहीं, बात बताओ। तो अनदर वन स्टूडेंट, मेरा नाम प्रवीण है, मैं नेपाल से। नेपाल से? ये देखो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट है ये। बताइए आज का क्लास कैसा लगा आपको? आज का क्लास बहुत अच्छा लगा। मैंने कभी रिवॉल्विंग नहीं की थी, आज रिवॉल्विंग की। 5 बार। आप कहीं पढ़ के भी आ चुके हैं, कहीं एक्सपीरियंस लिया है आपने? थोड़ा थोड़ा। तो वहाँ का एक्सपीरियंस और यहाँ के एक्सपीरियंस में कितना फर्क? बहुत फर्क है। बहुत फर्क मतलब कितना? नियर अमाउंट? जब सर क्लास में जो पढ़ाते हैं ना वो बहुत डीपली तरीके से पढ़ाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर ये बताइए आपने प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया? प्रैक्टिकल क्लास में आज हमने थर्मिस्टर को ढूंढा, जो मुझे अभी तक पता नहीं था। अच्छा, अभी तक पता नहीं था सर। थर्मिस्टर से होती क्या नाम की चिड़िया? काम मालूम पड़ा आपको? काम पता हूँ, पहचान नहीं पाता था। पहचान? अच्छा, आइडेंटिटी कैसी मालूम पड़ी? हाँ आज जब सर ने बताया था थर्मिस्टर के बारे में, बहुत अच्छा पता लगता है। अच्छा, रीडिंग में? हाँ सर। ओपन सर्किट में, क्लोज सर्किट में? यस सर। रीडिंग मालूम? यस सर। बताना नहीं है आप लोगों को, अभी तुमको मालूम है कि? यस सर। बिल्कुल पुख्ता करने के लिए तुम्हारे पास एक ट्रिक है कि नहीं है? ठीक है सर, ट्रिक है। कोई भी बोर्ड से बिना डिले और बिना डायग्राम सब पता लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। नेक्स्ट आई, फटाफट फटाफट आते हैं। अनदर वन स्टूडेंट जी। मेरा नाम मिथुन है, मैं गुजरात से हूँ। गुजरात से? हाँ। सुबह रिवॉल्विंग की क्लास है। तो कितने टाइम से फील्ड में? थोड़ा सा अपना परिचय देंगे। नेक्स्ट कितने टाइम से इस फील्ड में? मैं तो फ्रेशर हूँ। मतलब अभी वो फ्रेशर ही ज्वाइन किया? हाँ। तो इसके पहले क्या करते थे? इससे पहले तो मैं कीपैड वाले में फ़ोन खोलता था। इसी लाइन में ना? मोबाइल लाइन? हाँ मोबाइल लाइन में। मोबाइल सेल करते थे, एसएसडी सेल करते होंगे, स्टेप से होंगे? हाँ। अच्छा, तो रिपेयरिंग में पहली बार आपने कदम रखा? हाँ है ना। मतलब तो अब ये बताओ मेरे को कि आज पहला दिन एशिया टेलीकॉम कैसा दिखा? एकदम बढ़िया। जो नॉलेज नहीं था वो मुझे मिला यहाँ पे। आईसी में अभी तक छुआ भी नहीं था। अच्छा। आज 5 बार रिवॉल्व किया। उसके बाद रिदेव सर का क्लास था। रिदेव सर ने पूरी थियरी एकदम रजिस्टर कितने टाइप के आते हैं, क्या क्या है वो सब बताया। अच्छा। उसके बाद एमडी सर ने हमें वो प्रैक्टिकल कराया। प्रैक्टिकल में अपन ने कुछ चीज़ स्किप करी या नॉलेज नहीं मिला या आपको समझ नहीं मिला या आपके समझ में नहीं आया कोई चीज़? कम्प्लीट एकदम कम्प्लीट नॉलेज। मतलब आना पाई आज का जो कंटेंट था आना पाई हुआ आपका? हाँ। कल भी कंपोनेंट 2 की क्लास है, ये चीज़ वापस डबल से रिपीट होगा? रिपीट होगा। कैसी लगी आपको टीम एशिया टेलीकॉम?
बढ़िया एकदम बढ़िया, कोई आना चाहे तो आ सकता है, बेझिझक आ सकता है कि आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, बेझिझक आ सकता है कोई भी, प्रेशर हो तो भी आ सकता है, पैसा वसूल है, पैसा वसूल, गारंटी कौन लेगा? मैं लेता हूँ। आप लेते हो? हाँ चलिए ठीक है, बड़ी बात है यार, क्योंकि इन्होंने बड़ी बात बोली, एक बार क्लैपिंग कर दो इनकी। चलिए हमारे साथ वन अनदर स्टूडेंट, नाम बताइए अपना। मेरा नाम मोहम्मद फैजान है, मैं बिहार से स्कूल का रहने वाला हूँ। अच्छा फैजान, कितने साल से काम कर रहे हो? तीन मंथ से जी। तो तीन मंथ का एक्सपीरियंस और आज का एक्सपीरियंस? बहुत भारी है। भारी है जी। तो बताइए आज दिन भर में क्या कर रहे हैं आपने? सुबह मैंने आईसी रिबॉलिंग की 5 बार, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से की, मतलब एक ही बार में हो गया, ठीक है, सर ने ऐसा ट्रिक बताया कि एक ही बार में हो ही जाता है जी। उसके बाद फिर 12 बजे से देव सर की क्लास थी कंपोनेंट की, वो भी बहुत बढ़िया गया, ठीक है, और उसके बाद मैंने शाम में आके 5 बजे उसको प्रैक्टिकल किया जी। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। अभी कोई चीज़ डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं। अगर मैं बोलूँ कि आप एडमिशन ढूंढ के बता दो कितनी देर में ढूंढ? 5-7 मिनट। 5-7 मिनट में। नेक्स्ट वन आइए, यही जाइए, ओके। चलिए हमारे साथ एक और स्टूडेंट, नाम बता दीजिए और कहाँ से? मेरा नाम संदीप है, मैं यूपी से हूँ। संदीप यूपी से हो जी। तो संदीप पहला दिन एशिया टेलीकॉम में, और इसके पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस? पहला दिन बहुत अच्छा गया, और इससे पहले मैं इसी फील्ड में हूँ, लगभग 10 साल से हूँ। तो 10 साल से जो मैंने नहीं किया वो मैं एक ही दिन में मैंने कर लिया। मैं संदीप आपसे अगर ये बोलूँ मैं कि 2 साल पहले आ गए होते तो फिर क्या होता? नहीं, अभी तक मैं सक्सेस होता। 2 साल पहले आ गए होते तो आज संदीप कहाँ पे होता? मैं बहुत आगे होता सर, लेकिन नहीं आ पाया था। तो फिर देव सर के साथ कंपोनेंट की क्लास कैसा नॉलेज मिला? नहीं, देव सर तो ग्रेट हैं, मतलब मुश्किल चीज़ों को इस तरीके से दिमाग में फिट करते हैं, बहुत आसानी से चला जाता है, समझ में आता है उनका, एकदम बढ़िया मक्खन। प्रैक्टिकल पूरा हुआ? जी हो गया सर। एक चीज़ का पूरा टाइम मिलता है प्रैक्टिकल? पूरा मिलता है। सिस्टम सही है? जी बिल्कुल, एक घंटे ड्यूटी, उतने घंटे उतने घंटे होता है प्रैक्टिकल। ऑल द बेस्ट। चलो आगरा प्रदेश से जी, आज सुबह 8 बजे आए थे और 8 बजे से पहले ही टीचर भी आ गए 5 मिनट पहले, और उसके बाद EMS की क्लास चली हमारी, और ट्रिक्स बहुत अच्छे दिखा है कि इससे ईजी भी हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। और उसके बाद 12 बजे से जैसा की क्लास थी 5 बजे तक, कंपोनेंट के बारे में, रजिस्टर के बारे में बताया, बहुत अच्छे तरीके से बताया, उसके बाद प्रैक्टिस भी यूज़ किया हमारी। तो जो आपने यहाँ पर प्रैक्टिकल किया जी, तो प्रैक्टिकल में कोई चीज़ जो सर ने बताई हो वो आपके सिलेबस से बाहर हो, या कोई चीज़ मैंने नहीं बता दी हो, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ? नहीं हुआ। जो उधर पढ़ाते वही यहाँ प्रैक्टिकल मिलता है ना, और वही चीज़ प्रैक्टिकल में किसी भी में भी वही चीज़ मिलती है, कोई आगे पीछे तो नहीं हुई ना? कोई नहीं हुआ। नहीं हुआ? दोनों क्लास सिंक्रोनाइज्ड है। सेम है। चलिए ठीक है, और मैं एक दिन का एक्सपीरियंस पूछूंगा कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट वन। हेलो, मेरा नाम है प्रदीप श्रेष्ठ, मैं नेपाल से हूँ। हाँ जी। आज हमारा क्लास 8 AM से शुरू हुआ था, अभी 9 PM हो चुका है। सुबह से आकर यहाँ 8 बजे जो हमारा प्रैक्टिकल क्लास। थोड़ा सा एक बार तुम्हारा परिचय दे दो, अभी आपसे कोई एक्सीडेंट है आपका हाथ? हाँ, मेरे एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, तो ये हाथ अभी क्या डमी है? ये इसको आर्टिफिशियल हैंड के थे। आर्टिफिशियल हैंड है, डमी हैंड है ना? हाँ, आर्टिफिशियल लगा हुआ। हाँ, तो भाई ये तो तुमने इस लाइन को नमस्ते कर देना थी, फिर क्या सर? नहीं सर, मैंने ये इस लाइन को पकड़ा ये एक्सीडेंट के बाद। अच्छा, एक्सीडेंट के बाद? यस सर। एक बार क्लैपिंग कर दो भाई इसके लिए। सर मैंने अभी 8 बजे जो हमारा रिवॉल्विंग क्लास हुआ था, मेरे हाथ की जो प्राविधिक कठिनाई है उसकी वजह से टाइम लगा, देर हुआ पर दुरुस्त हुआ। दुरुस्त हुआ, देर हुआ बाकी दुरुस्त हुआ। हाँ सर, और बाकी हमारा देव रतन सर का क्लास था, तो हमको फार्मेस्टर रॉय सर को विषय में पता ही नहीं था, और कैपेसिटर जानते थे थोड़े बहुत, मगर 3 पिन का और 4 पिन का हमको मालूम ही नहीं था। थर्मिस्टर बोलूँ तो कितनी देर में ढूंढ कर निकाल के बता दूँगा? मैं दावा के साथ कहता हूँ, मैं किसी भी बोर्ड दे दे मेरे को, मैं 5 मिनट के अंदर ढूंढ कर दे सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो हमारे साथ अनदर स्टूडेंट है,
मेरा नाम सचिन है। सचिन कितने साल से मोबाइल का काम कर रहे हो भाई? मैं 3 साल से लगभग काम कर रहा हूँ। 3 साल और आज का दिन एशिया टेलीकॉम में पहला दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा सर। और आज सुबह 8 बजे आए हैं और फर्स्ट टाइम आज हम रिबॉलिंग किए हैं सर। रिबॉलिंग फर्स्ट टाइम की? जी सर। तो फिर तो तुमसे होने ही नहीं चाहिए थी। फिर मैंने ट्रिक ऐसा बताया आप लोग की हो। कितनी बार किया? अब 5 बार किए। 5 बार किया जी सर। फिर देवसर का क्लास था। देवसर का क्लास तो प्रो लेवल का था सर। पूरा डीप नॉलेज मिला सर फर्स्ट टाइम। इतना नॉलेज मिला सर। और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल हुआ वो भी पूरा अच्छा हुआ। Are you satisfied for yes, this class? Yes, sir. All the best. Next time. मैं अलीम खान बेंगलोर से हूँ। सुबह 8 बजे। अलीम बेंगलोर से बहुत बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है वहाँ पे है ना। आप छोटी सी जगह में जबलपुर आए यहाँ पे तो इतनी बड़ी जगह से आए जबलपुर से मतलब बेंगलोर से जबलपुर आए हैं तो क्या रिजल्ट निकला इसका? सर जो सोच कर आया था उससे ज़्यादा मिला सर। अच्छा तो क्या करते थे इसके पहले आप? मोबाइल सर्विस। मोबाइल के काम करते थे। तो आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आज का एक्सपीरियंस एकदम बढ़िया था सर। आपने रिबॉलिंग किया? हाँ सर 5 बार किया सर। 5 बार किया? हाँ सर। तो क्या नया एडवांस चीज मिला आपको? आज तक आईसी को टच नहीं किया था सर। आईसी को टच नहीं किया था? नहीं सर। फर्स्ट टाइम रिबॉल किया? हाँ सर। तो 2 घंटे में कैसे हो गया भाई? आराम से हो गया सर। क्यों हो गया 2 घंटे में? ट्रिकी ऐसा होता है सर। मेथड है ऐसी? हाँ सर। तरीका है? हाँ सर। और फिर आपकी दोपहर में किनके साथ क्लास थी? देव सर के साथ क्लास थी सर। 12 बजे से 5 बजे तक कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट्स के बारे में इतना लंबा टाइम है 2 कंपोनेंट? हाँ सर। कंपोनेंट एकदम डीप लेवल में समझाया सर। यही चीज चाहते थे आप? हाँ सर यही चीज चाहते थे। यस सर। उसका प्रैक्टिकल किया आपने? हाँ सर। कितने घंटे प्रैक्टिकल किया? 5 बजे से अभी 9 तक किया सर। 8:30 तक। 8:30 तक। कितने घंटे हो गए? 12 आवर्स हो सर। 12 आवर हो गए। तो यही पढ़ाई की डिमांड थी आपकी? हाँ सर। कैसा लगा? एकदम बढ़िया था सर। ये ठीक है। उधर नेक्स्ट टाइम आओ। हाँ सर। नर्वस हो गया? नहीं नहीं सर। चलिए। मेरा नाम आसिफ खान है बेंगलोर कर्नाटका से। आसिफ बेंगलोर से? हाँ सर। बेंगलोर छोड़ के जबलपुर ट्रेनिंग ट्रेनिंग के लिए? रिव्यू बहुत अच्छा था और रिव्यू से ज़्यादा मुझे इधर आने के बाद पता चला और अच्छा आएगा। अच्छा टीचर में जाने की नहीं है सर। देव सर की टीम कैसी है? बहुत ज़बरदस्त। और देव सर का नॉलेज कैसा है? बहुत अच्छा है। एडवांस टीम है? एडवांस है सर। अल्ट्रा एडवांस है। अल्ट्रा एडवांस? हाँ सर। अच्छा उसके बाद ये बात करूँ मैं कि अभी आपने पूरा प्रैक्टिकल किया? किया सर। कैसा लगा? अच्छा लगा। एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। कंपोनेंट का ये नजरिया पहले था क्या आपका? नहीं था। नहीं था? नहीं था। आइए आते जाइए। कौन बचा है ना? आते जाइए आते जाइए। सबको आना। सबसे पहले तो बोलूंगा यार इस बंदे के लिए एक क्लैपिंग करता है। इसको दाद देना पड़ेगी। मेरे से 2 महीने पहले आके यहाँ से मिल के और देख के सारा समझ के गए। मेरे से किसी को अलाउ नहीं है यहाँ पर। ऑनलाइन एडमिशन होता है पर बाकी ये आया और उनको मैंने परमिट किया। 1 साल से वेटिंग में थे उनको इस मैंने परमिट किया मैंने। तो थोड़ा नाम बताइए कहाँ से हो ये बताइए और आपकी जर्नी कैसे रही है शेड़ी का? सर मेरा नाम प्रकाश अश्वर है। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। तो सर मैं 1 साल से ट्राई कर रहा था यहाँ पे आने के लिए। कुछ दिक्कत की वजह से मैं आ नहीं पाए। तो सर अब आए हैं। अब पहला बार मैंने रिबॉलिंग किया है इसी का और तो 5 बार कर दिए। और मैं सर पहले इस फील्ड में था नहीं मैंने अब क्या बताऊँ। तो वहाँ पे भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। मैं वहाँ पे भर्ती भी हुआ था। तो ऐसे कभी नहीं बताना चाहिए वो सर ट्राई पास के लिए है। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला था डीप नॉलेज क्या होता है। तो ये जो हम 12 घंटे से बैठे हैं यहाँ पे क्लास कर रहे हैं तो सर ये जो मेहनत कर रहे हैं ना हमको मेहनत नहीं लग रहा है सर। दिल से खुशी निकलता है अंदर से। चलिए ठीक है। और आज नॉलेज कैसा लगा आपको? आज का दिन पूरे दिन का नॉलेज कैसा लगा? सर बहुत बढ़िया सर। सर हम मतलब मुझसे बात नहीं कर पाएंगे सर। बहुत बढ़िया लगा। ठीक है थैंक यू वेरी मच। चलिए हो गए लगभग सब हो गए। चलिए ठीक है थैंक यू वेरी मच।